सो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी सभी टॉपिक से अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आए हुए हैं लखनऊ और करने वाले हैं एक एंगेजमेंट की ब्लॉगिंग, जो कि एक बहुत ही अलग तरीके से होने वाली है। और अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, तो हमारे सभी लोग आज कलेक्ट होने वाले हैं, तो हम लोग आज करने वाले हैं फुल ऑन मस्ती। और गाइस, तो मैं कोशिश करूँगा जितना वीडियो छोटा हो सके उतना छोटा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा मजा उठाइएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो चलिए हम आपको अपने सभी फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ। सो गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं अपने छोटे भाई से और देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है इस एंगेजमेंट पर। सो गाइस, तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा है मुझे तो। सो गाइस, तो हमारे छोटे भाई के नाम प्रफुल है। तो प्रफुल, आप ये बताइए हमें, आप उदास क्यों इतने? क्या अच्छा फट गया था? और गाइस, तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन पर्सन है। सो गाइस, तो अब हम लोग अपने छोटे भाई से बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग जाने वाले हैं जिनकी कल इंगेजमेंट है अपनी दीदी के पास, और उनसे पूछने वाले हैं कि क्या रिएक्शन होता है उनका कल और किस टाइप से उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है, चलिए मिलते हैं अपनी दीदी से। तो गाइस, तो ये हमारी दीदी है और इनकी कल एंगेजमेंट है, और किस तरह से इनकी एंगेजमेंट होने वाली है वो मुझे भी नहीं पता है कि मतलब क्या सरप्राइज है इसका। तो चलिए हम अपनी दीदी से जानते हैं क्या मतलब सरप्राइज है। इसके लिए आपको मेरे भाई का पूरा भी वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइस, इसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइस, तो चलिए अब हम अपने बाकी फैमिली मेम्बर से मिलाते हैं। और गाइस, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो गाइस, तो चलिए हम अपनी बात करते हैं दूसरी दीदी से और उनका रिएक्शन भी देखते हैं, मतलब क्या रिएक्शन होता है उनका इस एंगेजमेंट पे। सो गाइस, तो देख सकते हैं आप, ये हमारी दीदी कुछ काम कर रही हैं। दीदी हाय बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। और देख सकते हैं आप, ये हमारी बुआ हैं। बुआ जी हाय बोल दीजिए। तो देख सकते हैं आप, अभी मतलब क्या खाने में क्या बन रहा है? दाल चावल है, आलू सब्जी है, रोटी है। तो गाइस, तो बहुत सारा मेन्यू है आज खाने में। तो गाइस, तो चलिए अभी तो यहाँ पे सब लोग बिजी हैं, तो हम चलते हैं अपने और बात करते हैं फैमिली मेम्बर से और देखते हैं कि मतलब क्या पता है उनको एंगेजमेंट के बारे में, सरप्राइज या फिर कुछ पता है या फिर नहीं। तो गाइस, तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने आए हुए और हमारे बैठे हुए हैं संदीप चच्चू जी, और ये हैं हमारे बौद्धाचार्य जी, जो कल का कार्यक्रम है वो उन्हीं के संरक्षण में होने वाला है। और ये तो आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है कि आज का हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो किस तरह से होने वाला है। सो गाइस, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, तो आप लोगों ने जब भी जो डांस देखा, आई होप आप लोगों को भी डांस बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम इनसे बात करते हैं, तो आपका नाम क्या है? दिव्या मौर्या।
और तो नाम भी काफ़ी अच्छा है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी मतलब कोई लाइक या कुछ भी कोई आईडी है आपकी स्नैक आईडी? स्नैक वीडियो पे आईडी है दिव्या मौर्या। सो गाइस, तो आप स्नैक तो उस पर जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसको फॉलो करिए और वीडियोस को लाइक करिए। सो गाइस, तो चलिए हम मिलते हैं जिनकी कल एंगेजमेंट है उनकी दादी से मिलते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा इस पर। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं दादी का आशीर्वाद कुछ, और तो हम दादी से पूछना चाहेंगे कि दादी आपको कैसा लग रहा है मतलब आपकी पोती की? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत मनाए। हम लक्ष्मी इनका नाम धरे हैं, कहें लक्ष्मी है मोरी। अच्छा, सो गाइस, तो आप देख सकते हैं, आप लोग फीलिंग तो जानते होंगे क्या हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेहंदी लगाई जा रही है, और अभी जो आपने मेहंदी देखी वो भी इन्होंने लगाई थी और वो काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं मतलब क्या सीन होता है। तो आपको कैसा लग रहा है मतलब कल एंगेजमेंट है आपको? बहुत उत्साहित हूँ कि मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है, और मुझे बहुत शौक भी है कि बचपन से उसको मेहंदी लगाते हुए आई हूँ। अभी वो लास्ट टाइम वो कह रही दीदी आप पता नहीं आगे लगाए मिले आपके हाथ से मेहंदी कि ना मिले, इसलिए मैंने कोशिश की कि हाँ हम ही उसके हाथ में मेहंदी लगाएं। सो गाइस, तो इस बात पे आप लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे के ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, तो चलिए अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर आज का ये प्रोग्राम होने वाला है। सो गाइस, तो ये है जगह, यहाँ पर हमारा जितना भी खाने पीने का है सामान यहाँ पर सारी व्यवस्था हो गया है। इसके बाद अब यहाँ पर हमारी गेस्ट हाउस की बारी आती है जहाँ पर अब हमारा कार्यक्रम होने वाला। सो गाइस, तो आई होप तो आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Hum hai samrat Ashok ke nishani. हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं है जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। पलक देखो इतिहास का वो पन्ना, पलक देखो इतिहास का वो पन्ना।
अशोका जी पंचशील का मार्ग दिखाओ प्रियदर्शी सन्मार्ग बताओ पंचशील का मार्ग दिखाओ प्रियदर्शी सन्मार्ग बताओ हम से मन हर्षाओ जी हाओ जी सम्राट अशोका जी चंद्रगुप्त का नाम बढ़ाओ भारत विश्व महान बनाओ चंद्रगुप्त का नाम बढ़ाओ भारत विश्व महान बनाओ दुनिया बाद बनाओ जी हाओ जी सम्राट अशोका जी भक्षण से डरना वृक्षों का संरक्षण करना जीवों के भक्षण से डरना वृक्षों का संरक्षण करना जग को ज्ञान कराओ जी हाओ जी सम्राट अशोका जी तुम्हें आना इरादे पे
सभी की शान है, भारत का मान है, धरती की शान है, भारत का मान है, धरती की शान तू है, भारत का मान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है, धरती की शान है, भारत का मान है, धरती की शान तू है, भारत का मान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अशोका तू महान है, चाहे तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण है, चंद्रगुप्त वरदान है, अमर तेरे प्राण, चंद्रगुप्त वरदान, हाँ अमर तेरे प्राण, चंद्रगुप्त वरदान, तेरे हृदय में बुद्ध भगवान है, अशोका तू महान है, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वतो यदा सर्वदुर्धानभावेन करातोऽस्ति भवन्ति भवतु।